बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां मुठभेड़ केस में चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। सूत्रों के अनुसार यहां एसओ चौबेपुर विनय तिवारी दबिश में सबसे पीछे चल रहे थे। यूपी एसटीएफ ने एसओ चौबेपुर विनय तिवारी को ड्रिल करना शुरू कर दिया है। विनय तिवारी पर मुखबिरी का शक है। आपको ये जानकारी भी दें कि कल विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, और तभी से एक सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिरकार कौन है वो मुखबिर जो पुलिस के बीच में मौजूद है। अब जो है शक की सुई घूम रही है और चौबे तिवारी पर जाकर अटकी हुई है, पूछताछ जारी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, कानपुर की घटना से संबंधित ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मुठभेड़ केस में चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध है। सूत्रों के अनुसार एसओ चौबेपुर विनय तिवारी दबिश में सबसे पीछे चल रहे थे, जब पुलिस दबिश देने गई और जेसीबी, ये वो जेसीबी की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे पुलिस की गाड़ी को रोकने के लिए खड़ा किया गया था रास्ते में, ताकि जितने भी पुलिस वाले उस गाड़ी में सवार हैं वो गाड़ी से बाहर निकले, जेसीबी को हटाने की कोशिश करें और उस दरमियान इन पे फायरिंग कर दिया जाए। जी मीडिया संवाददाता तुषार श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। तुषार, कल से ये सवाल उठ रहा था कि चौबेपुर विनय एसओ जो है चौबेपुर के विनय तिवारी, आज शक की सुई इन पे जाके अटक गई है उस सवाल के जरिए कि आखिरकार कौन है वो मुखबिर जो पुलिस के अंदर रह करके हर मूवमेंट की जानकारी दे रहा था। क्या डिटेल्स और आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं शक की सुई पुलिस के ही विभाग के अंदर आकर अटकी हुई है कि आखिर में जो मुखबिरी हुई है ये किसी वर्दी वाले ने किया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से प्लांट करके पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ वो बिना मुखबिरी के पॉसिबल नहीं है। कल जिस तरह से परत दर परत खुलती गई तो एसओ चौबेपुर के ऊपर भी पुलिस को और एसटीएफ को शक है कि कहीं एसओ चौबेपुर ने, क्योंकि जिस तरह से पहले जब राहुल तिवारी का जो एफआईआर लिखना था उसको एफआईआर लिखने के लिए एसओ चौबेपुर विनय तिवारी बार बार आनाकानी कर रहे थे और वो एफआईआर नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन काफी दबाव आया, बड़े अधिकारियों का दबाव आया, उसके बाद उन्होंने एफआईआर लिख ली। और जब मुठभेड़ हुई तब भी एसओ चौबेपुर विनय तिवारी काफी पीछे थे, पुलिस पार्टी में सबसे पीछे चल रहे थे, और यही वजह है कि एसटीएफ को। शायद देखिए, अगर इस तरीके की तस्वीर निकल करके सामने आती है इस पे मोहर लग जाती है कि ये मुखबिरी कर रहे थे, हालांकि अभी ये सस्पेंस बरकरार है चूंकि आरोप लग रहे हैं, इस तरीके से शक इनकी तरफ जा रहा है, तो हर एक जानकारी होगी कि पुलिस क्या क्या स्टेप ले रही है, कहां पहुंची है, कितने लोग एक गाड़ी में सवार है, कौन कौन है, किसको निशाना बनाना है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह की पुलिस पार्टी के ऊपर हमला हुआ है, पुलिसकर्मी मारे गए हैं और घायल हुए, निश्चित तौर पे विकास दुबे को हर बात की इन्फॉर्मेशन थी कि पुलिस कितनी गाड़ी आएगी, कौन कौन आएगा, कौन आगे बैठा है, डिप्टी एसपी है या सब इंस्पेक्टर है, क्योंकि अमूमन जब भी दबिश होती है दबिश में डिप्टी एसपी रैंक अधिकारी जल्दी नहीं जाता दबिश देने, लेकिन इस बार दबिश देने गया था और वो भी तीन थानों की फोर्स गई थी, तो निश्चित तौर पर उसको पूरी बात की जानकारी थी कब पहुंचेगी, कब वो जेसीबी से उतरे, अपनी गाड़ी से उतर के जेसीबी के पास जाएंगे, क्योंकि जो पूरी घटना असल देखिए तो पूरी तरह से पूरी पार्टी को, पुलिस पार्टी को घेर के मारा गया, पुलिस ने अपने बचाव में पुलिस वहां से भागी भी है और जो वॉशरूम है गांव में बना हुआ वहां पे जाके छुपी है, वहां भी उन लोगों ने आराम से उतर के मारा है पुलिस पार्टी के ऊपर, क्योंकि एक एक वॉशरूम में चार पुलिसकर्मियों के डेड बॉडी पाई गई है। दूसरी एक और जानकारी मिली थी कि जो डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा है उन्होंने 4 फीट की दीवार फांद के बचने की कोशिश की थी, लेकिन वहां जैसे ही पहुंचे कुछ लोगों ने चिल्ला दिया कि यहीं छुपा है और फिर 4-5 लोग आए और बहुत ही आराम से उनको उनके ऊपर गोली बरसाए, मतलब साफ था कि उनको पूरी तरह से हर बात की एक एक बात की इंफॉर्मेशन थी कि कौन किधर से आएगा, कितने लोग होंगे, किसको मारना है, कैसे मारना है, और पूरी प्लानिंग वेल प्लान था ये पूरी तरह से, जेसीबी को रखा गया जबकि उसका मारने का ही उद्देश्य था पूरी तरह से, क्योंकि अगर उसको भागना होता, क्योंकि उसके पास भागने के भी पहले पूरे चांसेस थे, क्योंकि उसको मालूम था कि पुलिस पार्टी दबिश देने आ रही है और वो भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं। आपने ये सही कहा कि कल यही सवाल उठ रहे थे बार बार कि अगर किसी भी अपराधी को पुलिस पकड़ने जाती है और इस तरीके से हिस्ट्री शीटर को देखें, हम विकास दुबे की हम बात करें, तो वो सबसे पहले भागने की कोशिश करता, ना कि पुलिस प्रशासन पे गोलियां बरसाता, उन्हें निशाना बनाता और उनके हथियार को लूटने की कोशिश की जाती इनके गैंग की तरफ से। तो खाकी वर्दी पर दाग लगाने का काम किया है विनय तिवारी ने, अगर ऐसा है तो ये सिद्ध होता है तो।
हाँ बिल्कुल, देखिए अगर साफ अभी तो कहना उचित नहीं होगा कि विनय तिवारी ने किया, लेकिन पुलिस की जो और जांच टीम और एसटीएफ की जो सख्त किस हुई है वो मुखबिरी को लेकर विनय तिवारी के ऊपर भी आके अटकी हुई है कि विनय तिवारी ने कहीं ऐसा तो नहीं किया, क्योंकि जांच टीम वो सेफ है और बहुत ही पीछे चल रहे थे और एसओ चौबेपुर है, माना जाता है कि जो उस इलाके का एसओ एसएचओ होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है सबसे सटीक होती है, उसकी गांव में पकड़ होती है और जिस तरह से उन्होंने फिर से किए एफआईआर नहीं लिखना चाह रहे थे उसको भी लेकर एसटीएफ और जांच टीम को उनके ऊपर शक है और यही वजह है कि एसटीएफ और जांच टीम उनको थ्रिल कर रही है और उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर में पूरी कड़ी से कड़ी मिलाई जा रही है, क्या वजह थी, कैसे वजह हुआ और कौन कौन लोग थे, कैसे इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंची, ये सारी बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी अगर सबसे बड़ी बात है कि एसओ चौबेपुर के ऊपर ही एसटीएफ और जांच टीम को शक है, एसओ चौबेपुर ने मुखबिरी की है, लेकिन ये पूरी तरह से अभी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि जब तक प्रूफ ना हो जाए तब तक ये कहना उचित नहीं हो कि एसओ चौबेपुर ने गलती की और अभी भी और भी कई एंगल से पुलिस में जांच कर रही है। आईजी एसटीएफ खुद मौके पे मौजूद है, वो वहां पे लगे हुए हैं और विकास दुबे की भी तलाश की जा रही है, विकास दुबे अगर पकड़े जाएंगे जिंदा तब और भी बात क्लियर हो पाएगी कि आखिर मुखबिरी कौन किया है। बिल्कुल, चलिए तो पुलिस इस पूरे मामले पे जांच पड़ताल कर रही है और यहाँ पर जिस तरीके से मुखबिरी का आरोप इस वक्त लगा है विनय तिवारी पर, अगर ये सिद्ध होता है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे आप कितना भी वेल प्लान हो, आप कितने भी दुरुस्त हो, असलहे आपके पास हो, लेकिन अगर आपके भीतर से ही कोई जासूसी कर रहा है, अपराधियों को पल पल के मूवमेंट की जानकारी दे रहा है, तो प्लान आपका काम नहीं कर सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तुषार आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़े, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की मां अपने बेटे से काफी आहत है, उन्होंने विकास से सरेंडर करने की अपील भी की। विकास दुबे की मां का यह कहना है कि अगर उनका बेटा सरेंडर नहीं करता है तो पुलिस को उसका एनकाउंटर भी कर देना चाहिए। सुनिए। पुलिस वालों को गोली मार दी हमने, हमें टीवी में रोड में समैया देखती तो छोटे लड़के वाले नहीं लगाई थी, पहले हमारा लड़का आगा कल माँ जी देखो हम चैनल लगा रहे न्यूज वाला चैनल न्यूज सुनती तो हम कह हमें तो लगाए नहीं आवत अगर नहीं लगा दो तो न्यूज में जब दिखाई पर उतना वही कान लाग माँ जी यो देखो का गद्दार हुआ है। तो आपको मतलब टीवी से पता चला? टीवी से पता चलो मैं तो 8 बजे गई नहीं तो कल रात में भाग ठाड़ो उसको देखने के बाद आपके बेटे भी चले गए। क्या लग रहा है क्या करना चाहिए, मतलब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया? हम तो कहते हैं जहाँ कहूँ हैं उन्हें अच्छाई चाहिए तो उन्हें हाजिर हो जाओ चाहिए खुदा है ना, तो पुलिस का ढूंढ ना ही सकते हैं, जितनी जल्दी दुनिया बाहर थोड़ा हुई गई है रात की बात रहा है। मतलब आप चाहती हैं कि पुलिस के सामने वो हाजिर हो जाए? हाँ सामने आ जाए तो पुलिस खुद है अपन देखिए करिए जो हम करिए है। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई? जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस, हम तो कहते पकड़ लो तब काउंटर कर दो, उसने बहुत बुरा किया है बहुत बुरा किया। तो माँ का प्यार एक बच्चे के लिए भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये वही माँ है जिन्होंने सही को सही ठहराया है, जो जायज है वो जायज है, अगर वो भागने की कोशिश करता है पुलिस को उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए क्योंकि उसने आतंक फैला रखा है पूरे उत्तर प्रदेश में।